अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमरन इसके साथ मैं हूँ आपकी प्यारी होस्ट, आपकी दोस्त हमारा हाशमी। इस वक्त हम मौजूद हैं मोल्डन टाउन लिंक रोड पर, जहाँ लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। एक तरफ आवाम परेशान है कि महंगाई होती जा रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, तो दूसरी तरफ हुक्मरान एक कुर्सी के पीछे लड़ रहे हैं। आज हम आवाम के लाए हैं 3 सवाल। पहला, कि वो अगली बारी हुकूमत में किसको देखना चाहते हैं। दूसरा, कि वो हुकूमत से क्या चाहती है आवाम। तीसरा, क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं। आइए जानते हैं अगली बार आप वोट किसको देंगे। नवाज शरीफ को देंगे इंशाल्लाह। तो नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। कब वापस आएंगे। जल्दी आ जाएंगे, जब इलेक्शन होगा तो जल्दी आएंगे। ये इमरान कभी नवंबर, कभी दिसंबर, कभी जनवरी, कभी फरवरी, कभी इलेक्शन से पहले, तो ये आ तो रहे हैं। वो आएगा, क्यों नहीं आएगा, उसका अपना मुल्क है, आएगा क्यों नहीं आएगा। और इंशाल्लाह आएगा, जरूर आएगा। और अगर उसकी हुकूमत होगी तो पाकिस्तान आएगा, वरना नहीं आएगा। हाँ नहीं, क्यों नहीं आएगा, आएगा। वरना कैसे आएगा, अभी तक तो आ नहीं रहे। नहीं नहीं, क्यों नहीं आएगा, जो उसके भाई के है ना, मतलब वजीर आजम है। हाँ, हालांकि उसके भाई की हुकूमत है, फिर भी वो वापस नहीं आ रहे। आएगा इंशाल्लाह, आएगा, क्यों नहीं आएगा। वजीर आजम इंशाल्लाह नवाज शरीफ ही होगा वजीर आजम, ये नहीं बन सकता वजीर आजम। इन्हें पता ही नहीं है, ये इतनी पुलिस मरा रहा है, इतनी अवाम मरा रहा है, इसको पता ही नहीं कि हुकूमत करनी कैसे है। अगर इलेक्शन होते आप वोट किसको देंगे। इमरान खान को। क्यों, इमरान खान को क्यों देंगे। दिल करता है, वो अच्छा लगता है। सिर्फ अच्छा लगता है इसलिए। हाँ अच्छा लगता है इसलिए। चाहे आवाम का बेड़ा गर्क हो जाए। खैर, आवाम का तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, खैर से हुकूमत जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई हुई है। तो कल जमान बाग में जो हुआ कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन उसे आवाम भी परेशान हुई। आवाम परेशान हुई, सब परेशान हुए, पूरा मुल्क परेशान है, महंगाई की हालत ही ऐसी है। तो आप हुकूमत से चाहते हैं क्या, कि हुकूमत क्या करे आवाम की। हुकूमत अच्छा काम करे, सब जो कर्जदार हैं कर्ज उतारे, सब गरीब आवाम मर रही है, किसी के पास खाने को लिए आटा ही नहीं है, हम के पास भी खाने के लिए आटा नहीं है, गरीब आवाम क्या करे, हम खुद गरीब हैं। किसको वोट देंगे आप। इलेक्शन होने के फिर वोट देंगे ना, इलेक्शन ही ना होते वोट क्यों देंगे। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो वोट किसको देंगे। फिर सोचेंगे मोहल्ले का जो होगा MP MLA जो अच्छा होगा उन्हें दे देंगे। अगर लगा लें कल इलेक्शन है तो फिर आप किसको वोट देंगे। हाँ जी, अगर लगा लें कल इलेक्शन हो जाए तो आप वोट किसको देंगे, इमरान खान को, नवाज शरीफ को, किसको देंगे। वो तो MP MLA जो इलाके के होता है ना उसको देखेंगे ना, वो भी तो किसी पार्टी का होता है ना, PTI का होगा, नूली का होगा। अच्छे होते हैं ना वो, काम कर देते हैं, बात नहीं करते, तो इसलिए उनको देखेंगे ना वो, जो अच्छा होगा उसको। तो किस MNA MP ने अच्छा काम किया आपके इलाके में। अभी तक किसी ने नहीं किया। आप किसको वोट देंगे। नहीं ना, हाँ। इमरान खान को क्यों वोट देंगे। अच्छा इंसान है, सच्चा। उसने क्या किया वहाँ। उसने बहुत कुछ किया। क्या किया। शुक्रिया है, सबसे बड़ी बात है लोगों की ट्रीटमेंट होती है, और सर जो कहता है वो करता है, सच्चा है। दूध आपके सामने नवाज शरीफ देख लें, जरदारी देख लें, उसका चोर, उसका चोर, फिर इकट्ठे बैठ गए, इमरान सब डटा हुआ, सब खिलाफ अकेले डटा हुआ। कल की बात ले लें, जमान बाग में पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने आई थी, उसने गिरफ्तारी नहीं दी, तो आवाम को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हाँ वो करना पड़ा, लेकिन उसका राइट था ना, वो तो गलती गिरफ्तारी उसकी बनती थी। तो गिरफ्तारी तो देता ना, ताकि केस बाद में लड़ा जाता, ठीक था ही नहीं। अगर वो फंस जाता तो फिर अंदर गया, जान नहीं छोड़ी, 8-9 महीने रगड़े लगाना था उसको पकड़। इसे उसे अच्छा किया, उसने अपना सेव कर लिया। नवाज शरीफ भी तो गया था, मरीम नवाज भी तो गया। वो तो बेसिकली यहीं क्रम ना, देख लें भाग गया, अगर लीडर होता है यहीं रहता। तो नवाज शरीफ आपको लगता है वापस आएंगे पाकिस्तान। नहीं नहीं, वो नहीं आता, वो जो चला गया उसने कहाँ आना है, वो नहीं मुश्किल है। तो नवाज शरीफ पाकिस्तान कब वापस आएंगे। जी नवाज शरीफ आ जाएगा इलेक्शन से पहले पाकिस्तान। वो तो कब से लाड़े लगा रहे, मैं अब आ जाऊँगा, अब आ जाऊँगा। जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको भी तो देखें ना, कि वो मतलब कि 3 दिन से ये आप लगातार देख तो रहे हैं कि पाकिस्तान के जो अंदर हैं वो क्या कर रहे हैं। चलो वो तो पाकिस्तान से बाहर है, वो तो आ जाएगा इलेक्शन, उसने हर लड़ना है तो पाकिस्तान तो आना ही है, इलेक्शन लड़ेगा ना। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि कुछ आवाम चाहती है कि हुकूमत में इमरान खान आए, तो कुछ चाहती है कि नवाज शरीफ हुकूमत में आए, लेकिन ये सब कुर्सी के लिए आपस में लड़ रहे हैं, पुलिस को और आवाम को आपस में लड़वा रहे हैं, लेकिन आवाम का कोई नहीं सोच रहा। इसी के साथ अपनी मेज़बान हमारा हाशमी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।